प्लेन इलास्टिक वेव वाई इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्रोपगेट्स इन मीडियम के। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस वेव इन अ रेफरेंस फ्रेम के डैश मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी कैपिटल वी रिलेटिव टू द मीडियम के। वेव स्पीड इन मीडियम के इज स्मॉल वी। तो नॉर्मली हमें पास इक्वेशन जो दी रहती है वो दी भी हुई यहाँ पे वाई इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर हम के साथ लिखना चाहें और वी वेलोसिटी भी दिखाना चाहें तो यहाँ पे हम ओमेगा की जगह के वी लिख देते हैं, केंद्रीय विद्यालय से याद रखें, के वी टी ऐसे लिख सकते हैं। ये स्पीड हमने जो वेव की है, ये जो स्पीड है वेव की स्पीड कहलाती है, और ये हमने एक स्टेशनरी जगह से देख के बताई। लेकिन अगर जगह ही मूव करने लग जाए तो हम कैसे करेंगे भाई इसको, कि ऑब्वियसली इफ द वेव इज मूविंग एंड वी आर ऑल्सो मूविंग एट स्पीड वी, वेव इज मूविंग एट स्पीड स्मॉल वी, देन स्पीड ऑफ वेव विथ रिस्पेक्ट टू मी विल बी अगेन वी माइनस कैपिटल वी। ठीक है, अगर ये हमारी दिशा में मूव कर रही है तो, या ऑब्जर्वर कहते हैं कि वो भी हमारी दिशा में मूव कर रहा है, इफ वेव एंड ऑब्जर्वर या प्लेटफॉर्म या फ्रेम, फ्रेम लेते हैं, या फ्रेम मूव्स इन सेम डायरेक्शन, मूव्स इन सेम डायरेक्शन, ऐसे में हम माइनस करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी माइनस कैपिटल वी टी माइनस के एक्स। और थोड़ा सा इसको वैसे ही बनाते हैं पहले जैसा, तो हम छोटा भी बाहर ले सकते हैं और ये हो जाएगा वन माइनस वी बाय स्मॉल वी टी माइनस के एक्स। सो ए कॉस ओमेगा वन माइनस कैपिटल वी बाय वी इंटू टी माइनस के एक्स। सो दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन। नोट दैट अगर सवाल में दे रखा हो कि ऑब्जर्वर या प्लेटफॉर्म या फ्रेम अपोजिट टू है, तो यस यहाँ पे एक प्लस साइन आ जाएगा और कोई डिफरेंस नहीं रहेगा हमारे क्वेश्चन में।